उन्हें आगे बढ़कर एक विमान को उठाया और दोबारा से परेड को शुरू किया गया। आप देख सकते हैं मनाजर, आज जो परेड हुई वाघा बॉर्डर पर, वहां पर जैसे ही धरती कपकपाई पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकारों के पांव के नीचे, तो भारतीय एहलकार के पांव के नीचे से जमीन निकल गई और वो फिसल कर गिर पड़ा और उसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ये पूरा माहौल गूंज उठा। सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए ये देखकर कि भारतीय पाकिस्तानियों के आगे डर गए, गिर गए और उठ ना सके। आप देख सकते हैं मनाजिर और किस तरीके से भारतीय फौजी बीएसएफ का एहलकार ज्यों ही पीछे मुड़ा, ज्यों ही पीछे मुड़ के उसने खड़ा होने की कोशिश की, उससे अपना आप संभाला नहीं गया और फिर जाके दीवार के साथ जैसे बच्चे डर कर खड़े हो जाते हैं वैसे वो खड़ा हो गया। उन्हें आगे बढ़कर एक विमान को उठाया और दोबारा से परेड को शुरू किया गया। आप देख सकते हैं मनाजर, आज जो परेड हुई वाघा बॉर्डर पर, वहां पर जैसे ही धरती कपकपाई पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकारों के पांव के नीचे, तो भारतीय एहलकार के पांव के नीचे से जमीन निकल गई और वो फिसल कर गिर पड़ा और उसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ये पूरा माहौल गूंज उठा। सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए ये देखकर कि भारतीय पाकिस्तानियों के आगे डर गए, गिर गए और उठ ना सके। आप देख सकते हैं मनाजिर और किस तरीके से भारतीय फौजी बीएसएफ का एहलकार ज्यों ही पीछे मुड़ा, ज्यों ही पीछे मुड़ के उसने खड़े होने की कोशिश की, उससे अपना आप संभाला नहीं गया और फिर जाके दीवार के साथ जैसे बच्चे डर कर खड़े हो जाते हैं वैसे वो खड़ा हो गया।